आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। खातिर मिल्लत अलहाज हकीम सूफी अनीस अहमद कादरी साहब, बानी व सदर अंजुमन खुद्दाम आल हजरत, सदर आल इंडिया उलमा बोर्ड, सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद की फुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि पूरे आलम इस्लाम को मालूम है कि इन दो सालों से हम एक ऐसी बीमारी में जूझ रहे हैं जिसे दुनिया कोरोना कहती है। कोई शहर, कोई इलाका, कोई गांव, कोई बस्ती बाकी नहीं जहां पर ये बीमारी अपना घर न बना चुकी हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अगला साल जो गुजरा है हमें पंच वक्त नमाज घरों में अदा करनी हुई, ईद की नमाज भी हमें अपने घरों में मुख्तसर मुसलमानों के साथ अदा करनी हुई, कहीं मस्जिद में हुई भी तो 5-7-10-11 लोग के साथ हुई। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल हम बासानी नमाज की पाबंदी भी कर रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ईद की नमाज भी हम अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें बासानी इस साल ईद की नमाज अदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और इस मोहलिक बीमारी से आलम इस्लाम को निजात अता फरमाए। ये बीमारी जो कोरोना नाम की बीमारी है, जिसे डॉक्टर और तबीब और हकीम साइंसदान कहते हैं कि दिन में अगर 5 मरतबा अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने चेहरे को धोया जाए तो बीमारी करीब नहीं आती, और करीब है तो दूर हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि 1450 साल पहले हमारे आका कायनात के जान इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि 5 वक्त की नमाज आप अदा करें और 5 वक्त आप वजू करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान 5 वक्त वजू करता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और आज डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हाथ पांव को, मुंह को 5 दफ़ा कम से कम अगर साफ रखा जाए, धोया जाए तो बीमारी करीब नहीं आती। अल्लाह का शुक्र है कि हम उस पर अमल करते हैं और इंशाअल्लाह हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और वजू करता है। और हम अपनी कौम को, पूरी दुनिया को इस बात की दावत देंगे कि आप 5 वक्त कम से कम अपने चेहरे को, अपने हाथ को, अपने पाँव को धोते रहें। और जो गाइडलाइन हुकूमत की है कि आप दूरी बना के रखें, अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखें और भीड़ भाड़ से इज्तनाब करें, दूरी रखें, साफ़ सफाई रखें, तो आप उस पर भी अमल करें। और फिर एक बार कहूँगा कि मैं अंजुमन खुद्दाम आल हजरत के बानी सदर होने की हैसियत से तमाम आल इस्लाम को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हमें इस बीमारी से निजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।